बढ़ती महंगाई में केंद्र सरकार द्वारा देश भर के उपभोक्ताओं को राहत देते हुए सस्ती दरों में चना दाल और प्याज उपलब्ध कराया जा रहा है। दोनों ही खाद्य पदार्थों के दाम बढ़े हुए हैं, जिसे देखते हुए सस्ती दरों से इसका विक्रय पूरे देश में किया जा रहा है। नेफेड उचित मूल्य केंद्र भारत दाल चना दाल के नाम से इसे बेचा जा रहा है। चलित वाहनों में बेची जा रही चना दाल और प्याज शनिवार को सुपेला पहुंची। यहां वाहन के पहुंचते ही खरीदारों की भीड़ उमड़ पड़ी। सभी ने अपनी जरूरत के हिसाब से चना दाल और प्याज खरीदा। चना दाल 60 रुपए किलो और प्याज 25 रुपए किलो की दर से बेचा गया। देश भर के उपभोक्ताओं को जो बढ़े हुए खाद्य पदार्थ इन दिनों देखे जा रहे हैं, पूरे देश में चना दाल से लेकर के राहर दाल से लेकर के आलू प्याज सभी के, आलू की बात तो नहीं की जाए तो ही ठीक है, क्योंकि प्याज के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़े हुए हैं, उसका असर भिलाई में भी देखा जा रहा है। तो केंद्र सरकार द्वारा एक नई योजना का शुभारम्भ किया गया है, नेफेड उचित मूल्य केंद्र। तो इस तरह के वाहन पूरे शहर भर में चलाए जा रहे हैं, भिलाई जिले के अलावा पूरे प्रदेश में और या कहीं पूरे देश भर में इसका लाभ सभी वर्गों को मिल रहा। आप देख सकते हैं इस वक्त ये सुपेला कॉफ़ी हाउस के सामने एक ये केंद्र सरकार की गाड़ी आई हुई है, भारत भारत दाल चना दाल इसका है, जो नेफेड उचित मूल्य केंद्र के नाम से दुकान का संचालन किया जाता है। हमारे साथ कुछ स्थानीय मौजूद है जो खरीदी करने आए हैं। हम चना दाल और प्याज की खरीदी आए क्या करने आए, क्या कहना चाहेंगे? इसमें ऐसा है कि जो भारत सरकार द्वारा ये योजना चलाई गई है, ये हम सभी उपभोक्ताओं के लिए बहुत अच्छी बात है जी, क्योंकि इस समय महंगाई की मार बहुत है और यहाँ दूसरे की सरकार है, राज्य में सरकार दूसरी है और अपने यहाँ भारत सरकार के द्वारा ये चलाया गया है जो हम उपभोक्ताओं के लिए बहुत उपयोगी। अभी आप क्या क्या चीज़ की खरीदी की? अभी हमने प्याज अभी और लोगों को क्या संदेश दे? हम लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भारत सरकार के द्वारा ये गाड़ी में प्याज दाल चना दाल ये हमारे जीवन की उपयोगी वस्तुएं हैं, तो जो चलाई जाती हैं वो सस्ते पर यहाँ मिल रही हैं, तो ये हमारे लिए तो बहुत अच्छी बात है कि केंद्र सरकार के द्वारा ये योजना चलाई गई है और जनता को इससे बड़ी राहत मिलेगी। 2 रुपए 4 रुपए की भी राहत अगर है पर किलो के हिसाब से तो बहुत बड़ी चीज़ है ये, और एक व्यक्ति को 2 किलो शायद दे रहे हैं। आप एक माता जी भी खड़ी है, माता जी आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी ये रात में काफ़ी सस्ते दरों पर दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे लिए ठीक है, सस्ता मिल रहा है, हम लोग के भी सस्ता मिला है दाल और प्याज, ऐसे मिलना चाहिए। जैसा कि आपने सुना कि इन महिला द्वारा कहा जा रहा है सभी को इस वर्ग इस खाद्यान्न का लाभ मिलना चाहिए, आइए हम आपको दिखाना चाहते हैं कि ये दुकान में किस तरह से लोगों की भीड़ लगे रहती है और किस तरह से यहाँ पे सामग्रियों का वितरण किया जा रहा है। 2 कर्मचारी यहाँ पे तैनात किए गए हैं, एक चावल एक दाल प्रदान कर रहा है, दूसरा जो है वो दूसरा प्याज का वितरण कर रहा है। तो काफ़ी लोगों की भीड़, हालांकि अभी कुछ लोग कम हो गए, लोग यहाँ खरीद खरीद के लगातार जा रहे हैं, क्योंकि गाड़ी आने खड़ी होने की देरी लोगों की भीड़ अपने आप लग जाती है। लोग इस बढ़ती महंगाई के दौर में केंद्र सरकार द्वारा आम उपभोक्ताओं के लिए की गई पूरे देश भर के लिए लोगों के लिए निश्चित रूप से सराहनीय। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के संतोष शर्मा के साथ संजय दुबे।